एक्शन पसंद है तो हाजिर है सिर्फ आपके लिए बिल्कुल रियलिस्टिक तबाही से भरी कुछ जबरदस्त एक्शन पैक्ड मूवीज। जिसमें आप तोड़ फोड़ लड़ाई झगड़े के साथ ही और भी बहुत कुछ देखोगे और कहोगे कि बस यही चाहिए था। ऊपर से ये सारा मजा आपको हिंदी में मिलेगा। पर हाँ, वीडियो पर नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन भी ऊपर तक पहुंच सके। तो नंबर 5 पर है समैरिटन। वैसे सुना तो था कि दो भाइयों में कभी बनती नहीं, बट इसमें लिटरली नेमेसिस और समैरिटन के बीच हुए एक घमासान जंग के बाद दोनों ही कहीं गायब हो गए। और आज 25 साल बाद एक शरारती बच्चे को ऐसा लगता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब उसका पड़ोसी मिस्टर स्मिथ ही समैरिटन है। और अपनी जासूसी के दम पर सैम उसके बारे में बहुत कुछ पता कर भी लेता है। पर क्या वो एक सोए हुए हीरो को जगाकर अपने शहर में बढ़ रहे क्राइम्स को रोक पाएगा या फिर नहीं, वही जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे कहानी काफी नॉर्मल है, लेकिन मसाले के तौर पर डाला गया ट्विस्ट, एक रिटायर हीरो की लाइफ जर्नी और कुछ जबरदस्त फाइट सीन्स की बदौलत आप इसे एक बार देखकर एंजॉय तो कर ही सकते हो। कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो नंबर 4 पर है द लॉस्ट सिटी। मॉडल एलन के साथ अपनी किताब के प्रमोशन में वेस्ट लोरेटा सेज को एक सन की अरबपति किडनैप कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि खजाने को हासिल करने में वही उसकी मदद कर सकती है। लेकिन जब एलन उसे बचाने जाएगा उसके बाद इसमें क्या क्या होता है वो सब जानने के लिए आपको इसे देखना होगा। वैसे एडवेंचर के साथ में कुछ एक्शन सीन्स, ह्यूमर और बेहतरीन विजुअल्स को देखते हुए आप इसे आसानी से एंजॉय कर सकते हो। तो नंबर 3 पर है एनोला होम्स 2। Enola Holmes. She's a force of nature. अपनी पहली केस को सुलझाने के बाद एनोला अपनी खुद की एक जासूसों वाली एजेंसी शुरू करती है, जहां उसे खुद को साबित करना है वही उसके पास काफी समय से कोई भी नया केस नहीं है। ऐसे में ही जब वो अपनी दुकान बंद करने ही वाली होती है कि तभी एक लड़की अपनी खोई हुई बहन का केस लेकर उसके पास आती है। अब उस मिसिंग लड़की को ढूंढते हुए इसमें कौन कौन से नए धमाके होते हैं, शेरलॉक इस केस के साथ कैसे जुड़ता है और आगे इसमें जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे इसके अंदर आपको एडवेंचर के पूरे मजे मिलेंगे, साथ में थ्रिलर और एक्शन भी अच्छा खासा है, जिसे देखते हुए आप इसे आसानी से एंजॉय कर सकते हो। तो नंबर 2 पर है द राउंड अप। इसमें डिटेक्टिव सेव डू और इलमेन को वियतनाम से एक साउथ कोरियन क्रिमिनल को वापस लाने का असाइनमेंट मिलता है, जो ऊपर से उन्हें बच्चों का खेल लगता है कि बस वहां पर जाना है, अपना वैकेशन एंजॉय करना और फिर उसे लेकर वापस आ जाना है। लेकिन वहां से काफी सारे कोरियंस भी गायब हो रहे हैं और सडनली एक आउटसाइडर हे संग वहां बेरहमी से टूर मेकर्स को मारने लगता है। ऐसे में क्या इनका ये असाइनमेंट सफल हो पाएगा और इस बीच उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, वही जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे एक डिसेंट स्टोरी लाइन के साथ कुछ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस को देखते हुए आप इसे एंजॉय करोगे। तो फाइनली नंबर 1 पर है प्रे। से अपना जीवन बसर कर रही कोमांशी ट्राइब की नारू को यह साबित करना है कि वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी एक योद्धा की तरह हर खतरे से अपने लोगों की रक्षा कर सकती है, जिसके लिए उसे करना होगा किसी बड़े और खतरनाक जानवर का शिकार, जो वो करने निकलती भी है। लेकिन उसे कहां पता होता है कि उसका सामना किसी जानवर से नहीं बल्कि डायरेक्ट प्रीडिएटर से होगा। अब नारू क्या करेगी और आगे इसमें क्या क्या होता है वो सब जानने के लिए आपको इसे देखना होगा। वैसे रियलिस्टिक विजुअल्स और ब्रूटल एक्शन सीन्स इसकी स्टोरी लाइन को काफी एक्साइटिंग बनाते हैं, जिसे देखते हुए आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे बल्कि इसे पूरी तरह एंजॉय करोगे। तो ये थी आज की कुछ बेहतरीन एक्शन पैक्ड मूवीज। ये आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।